सत श्री अकाल दोस्तों, मैं सुखविंदर शेरगिल, तुम बनेरा टीवी देख रहे हो। पंजाब की सियासत दे नाल जुड़ी बड़ी खबर लैके हाजिर होया। प्रताप सिंह बाजवा का एक बड़ा बयान सामने आया। एक घटना तो तुम बीते कल की जरूर देखी होनी, जिस नवजोत सिंह सिद्धू ते वरिंदर ढिल्लो एक दूजे के आमो सामने दिखाई देंदे ने ते तू तू मैं करते दिखाई देंदे ने। उस घटना के उत्ते कई तरह दीआं प्रतिक्रियावां आम आदमी पार्टी के आगुआ वालों ते कांग्रेस पार्टी के आगुआ वालों जरूर देखिया जा सुनिया जा सकदियां ने। पर एक प्रतिक्रिया जिहड़ी उह प्रताप सिंह बाजवा ने दिती है, जिस दे विच उह कहिंदे आ कि आम आदमी पार्टी दे विच तां डांगा चलियां सी। इत्थे उन्हां ने आम आदमी पार्टी दी अबोर वाली घटना दा जिक्र कीता कि आम आदमी पार्टी दे लीडरां विचाले तां डांगा चलियां ने, साडी पार्टी दे विच तां होई कख नहीं। इस तरह की प्रतिक्रिया जिहड़ी उह प्रताप सिंह बाजवा ने दिती है। इस तों इलावा उन्हां कहा कि आउण वाले 6 महीनियां बाद आम आदमी पार्टी दा असल सच सामने आ जाएगा ते लोक उन्हां नूं चौंक खड़ा खड़ा के सवाल पूछणगे। इस तों बाद एक होर कदम अगे चलदे उन्होंने कहा कि कुछ समय बाद तुसीं देखणा कि आम आदमी पार्टी टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। एक आम आदमी पार्टी नैशनल पद्धर की होगी, दूजी पंजाब पद्धर की आम आदमी पार्टी होगी। इत्थे उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के दो बड़े दिग्गज लीडर भगवंत मान ते अरविंद केजरीवाल एक दूजे के आमो सामने होणगे। इस तरह की प्रतिक्रिया जिहड़ी उह प्रताप सिंह बाजवा ने दिती है। इहो अपनी प्रतिक्रिया जिहड़ी उह कल वाली घटना दे बाद दे रहे सी, जिथे नवजोत सिंह सिद्धू ते वरिंदर ढिल्लो एक दूजे के आमो सामने हो गए सी। हालांकि वह प्रोटेस्ट तो मंद वधदी महंगाई के लिए लाया गया सी, पर इस प्रोटेस्ट की जिहड़ी जिहड़ी चढ़ाई हुई जां प्रचार होया वह उस घटना नूं लैके होया। वरिंदर ढिल्लो होरी लगातार इस तरह के बयान दिंदे ने ते नवजोत सिंह सिद्धू ते बारे भी इस तरह दीआं टिप्पणियां आउंदीआं ने। प्रताप सिंह बाजवा कहिंदे ने कि हर एक लीडर नूं अपनी गल रखण दा अधिकार है ते जद दूजा लीडर बोलदा तां दूजे नूं नहीं बोलना चाहिदा ते अपनी अपनी बारी ते अपनी राय है जिहड़ी उह सभ नूं सांझी करनी चाहीदी है। अजिही घटनावां नहीं वापरनियां चाहीदियां, पर लगातार उन्होंने तंज ने जिहड़े आम आदमी पार्टी ते कसे ने। उन्होंने कहा कि सत्ता दे विच आम आदमी पार्टी जरूर आई है, पर आने वाले कुछ दिनों दे विच आने वाले 6 महीनों दे विच उन्हां दी पोल खुल जाएगी ते लोक ने जिहड़े उह सवाल आम आदमी पार्टी नूं करनगे। ते नाल ही उन्होंने सब तो वड्डा तंज इह कसिया कि आने वाले कुछ समय दे विच आम आदमी पार्टी टुकड़े टुकड़े हो जाएगी ते आम आदमी पार्टी के दो दिग्गज लीडर भगवंत मान ते अरविंद केजरीवाल एक दूजे के आमो सामने होणगे ते लोक आम आदमी पार्टी नूं सवाल करनगे ते कांग्रेस पार्टी है जिहड़ी उह सत्ता दे विच वापस आवेगी। इस तरह की जिहड़ी प्रतिक्रिया उह प्रताप सिंह बाजवा ने दिती है। इस मौके उन्होंने होर की कुछ कहा तुहानूं उह वी सुणा दिंदे आ। सिद्धू साहब ने बोलदिआं होइआं उस गल दा जवाब नहीं दित्ता, आपां छड्डी को बहुत वड्डी गल नहीं होई, हर पार्टी च हुंदी है, अक्सर होंगी आप दे विच ते परसों चौथ अबोर दे विच दोनों धड़े कट्ठे होए ते डांगा चली गए, इत्थे ते चले ही कुछ नहीं सी। इत्थे ते साबका प्रधान दी गल नूं टोकना, इक यूथ प्रेजिडेंट वल्लों टोकना, इह मायने नहीं रखदा जी आपां नूं। मैं इहदे ते वेखो, मैं सीनियर जिन्ना मर्जी होवां, सो गल इह है कि मैं इहदे च इक्को बेनती करांगा कि हर लीडर नूं अपनी गल रखण दा हक है। इह बेसिकली धरना ते सी एंटी प्राइस राइज, ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ, LPG ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਨਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਸੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਟੋਕਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਨਾ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਯੂਟੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਚਲੋ, ਹਰ ਵੇਖੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਚ ਹਰ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਜੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। हिंदुस्तान दो कानून नहीं बन सकते। जिन्नी स्टेट्स डिवीजन हुई, ओरिजिनल स्टेट नूं हमेशा कैपिटल मिले, सो इत्थे भी ओरिजिनल स्टेट नूं मिलेगा। जिहड़ा चंडीगढ़ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਫ ਨੋ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸ। ਦੇਖੋ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਓਨਾ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਪਕਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ,
पर जिन्ना पानी ओही मिलेगा जेड़ा ऑलरेडी हरियाणे नूं ते जा ही रहा है, एक्स्ट्रा साडे कोल है नहीं। पंजाब दियां भी सारियां इकट्ठियां जी, चंडीगढ़ वास्ते समझदे हो कि हरियाणा कांग्रेस पंजाब दे हक च मता पास करेगी, हर स्टेट अपने हक च कर दी। बिलकुल मरिया नहीं, जिंदा मुद्दा, जिंदी कौमा दे मुद्दे कदी मरिया नहीं करते। जे चंडीगढ़ मर गया पंजाब दा, जे पानी दे इंटरेस्ट जे असी नजरअंदाज हो गए, ये थोड़ी देर वास्ते नजरअंदाज होए ने, जिंदे मुद्दे ने ते पंजाब इनू लैके ही रहेगा इन्हां मुद्दे। मैं इहदे बारे जानकारी कोई नहीं रखदा क्योंकि मैं ते मेरा अपने हलके च रहा, मेनू इस गल का कोई इलम नहीं कि किन्ने कदी मदद की किन्ने कदी मुखालफत। देखो ये गल्लां फिर तुसी मेनू पुछ रहे हो, जेड़ी इंटरनल पार्टी की गल है सानू इंटरनल ही रखनी चाहिए। मेरी अपनी बेनती है कुछ चीजा एहो जिया ने जेड़ी इंटरनल पार्टी के फोरम से ही डिस्कस करनी चाहिए, वो असी पार्टी फोरम च करांगे। ये सारिया गल्लां ते कोई तुसी गल नहीं समझते, सड़क के उत्ते कोई छोटी मोटी बहस बहस हुई है, कोई बहुत वड्डी कोई गल नहीं है, हुंदियां ने जिउंदियां जमातां दे विच इहो जिहा काम हुंदा, जिउंदियां जमातां च हुंदा, परिवारां च हो जांदा, परिवारां दे विच मुंडे बाप दे सामने भरा नाल भरा ये थोड़ी मोटी कशमकश कई बार हो जांदी है। इंटरेस्ट नो सी डिसिप्लिन ते 100% सानू रखना चाहिए डिसिप्लिन। वेखो बिना डिसिप्लिन तो कोई जमात उत्ते उठ नहीं सकदी। सो अज भी सारिया जो स्पीचेस सुनते हो ओदी अंडरलाइनिंग एक स्टेटमेंट सारे लीडर्स वालों ये सी कि सानू सारयां नू एक होने की लोड़ है जे असी पंजाब च बाउंस बैक करना जिहड़ा असी करांगे, क्योंकि इन्हां दी बुनियाद आप दी ते निरी झूठ दे उत्ते बुनियाद, कुछ इन्हां दे पले है नहीं। ये 6 महीनों जी मैं तुहानू दस्सिया लोकां ने चौंकां च घेरने शुरू कर देने ने, ते 6 महीनों बाद इन्हां अपने झोले विच एक एक वक्खरे रंग की पग भी पा लेनी, पीलियां ला लैनियां ते चिट्टियां इन्हां सिर च पा लेने, उत्ते दस्तारां रख लैनियां ने। सो इस गल कारण इन्हां नूं पता साडे नाल की बणना, ते 6-8 महीनों दे विच एक आप पंजाब बननी है, एक आप इंडिया बननी, केजरीवाल दा ते भगवंत सिंह मान दा आपसो ये खड़े होणगे इक दूजे दे सामने। तो इस गल कारण बहुता लंबा टाइम इन्हां कोल कुछ वेचण नूं है नहीं, ये परसैप्शनल गेम सी परसैप्शन। स्टेटमेंट उन्होंने मेरी स्टेटमेंट अपने नाल के मैं बिल्कुल कोई इस तुहाडी गल दा जवाब नहीं देना चाहता, इंटरनल मसला है, असीं इंटरनल फोरम ते डिस्कस करांगे। साडा हर एक प्रोग्राम देखण अते साडे नाल जुड़न लई सबसक्राइब करो बनेरा टीवी, अते नोटिफिकेशन लई बेल आइकन ते क्लिक करो।